नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। पटना पहुंचते ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नीतीश कुमार पर जमकर बरसे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि नए संसद भवन का आविष्कार करना है तो जमकर कीजिए और अपने पार्टी के सारे सांसद को इस्तीफा दिलवा दीजिए। तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आइए सुनते हैं। कौन से बिहार की पंचायतों में गए हैं? आज तक इन्होंने कभी गाँव में जाकर गरीबों से मिलकर, ग्रामीणों से मिलकर कभी जानना जरूरी समझा है कि जो इनकी सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना है 7 निश्चय की, क्या वो योजना कभी धरातल पर सही मायनों में उतर पा रही है? एक बार भी गांव में ग्रामीणों से जाकर इन्होंने मिलना जरूरी समझा है? बिहार के लिए इनके पास समय नहीं है, बिहारियों के लिए इनके पास समय नहीं है और आज विरोध करने के लिए इनके पास पूरी फुर्सत वहां पर है। नीति आयोग की बैठक है उसमें जाने के लिए इनके पास समय नहीं है, पर आज विरोध दर्ज कराने के लिए इनके पास, अगर इतना ही आपको बहिष्कार करना है तो भैया पूर्ण बहिष्कार कीजिए ना। तमाम अपने पार्टी के सांसदों को बोलिए कि सब इस्तीफा दें, क्योंकि इसके बाद जब सत्र चलेगा तो इसी संसद में, जिसके उद्घाटन का ये लोग विरोध कर रहे हैं, उसी संसद में ना जाके इनके सांसद बैठेंगे। तो बोलिए भैया हम लोग पूर्ण विरोध करते हैं, तमाम अपने सांसदों को बोलिए कि हम लोग इस्तीफा देते हैं, हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, हम लोग इस सदन में जाएंगे ही नहीं, बहिष्कार कीजिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये लोग देश का इतिहास बदलना चाहते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी देश का इतिहास बदलना चाहती है? भाई मुख्यमंत्री जी पहले बिहार के इतिहास की चिंता करें, बिहार के इतिहास की, बिहार के भविष्य की मुख्यमंत्री चिंता करें। जिस गौरवशाली इतिहास से हम लोग आते हैं, आज क्या हालात बना के रख दिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के। आज बिहार को सिर्फ अपराध और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। वो समय था जब बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता था, आज बिहार में शिक्षकों और छात्रों दोनों के आप हालात देख लीजिए। तो दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार अगर अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे तो इनको सभी सवालों के जवाब। तो अभी आपने सुना चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि अगर नए सांसद भवन का आविष्कार करना है तो जमकर करिए और अपने पार्टी के सारे सांसदों का इस्तीफा दिलवा दीजिए, क्योंकि लोकसभा सत्र चलेगा तो आपके पार्टी के तमाम सांसद वहां जाकर बैठेंगे। धन्यवाद, ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।